हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा जो टॉपिक है बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ कि जो दो कलर का डिज़ाइन होता है उसके साथ हम ऐसे बटन बैंड कैसे बनाएंगे। जो ये कार्डिगन होते हैं, हम ऐसे साइड में ये बटन पट्टी बनाते हैं जिसमें हम बटन लगाते हैं, तो वो आप इसके साथ साथ कैसे बनाएंगे। और इसमें देखिए, कहीं भी आपको गैप नहीं दिख रहा होगा इस तरीके से। ये नीचे से लेके आपको इसमें फिनिशिंग कैसे लानी है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एज अ बिगनर ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो फिनिशिंग का प्रॉब्लम है वो आता है। जैसे आपने ये बनाया तो इसके साथ, दो कलर के साथ इसमें बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कैसे बनता है। साथ में मैं ये डिज़ाइन भी बताऊंगी, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, सिर्फ उल्टे सीधे फंदों में बन जाता है चार लाइन्स का। तो हम इसको भी सीखेंगे ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले जब मैं आपको बता रही हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि आपने नीचे से फंदे डाले हैं, ये आपने फंदे डाल लिए हैं। तो जब आप फंदे डालते हैं, सबसे पहली जो साइड है वो उल्टी साइड पे आती है आपकी, ये रॉन्ग साइड है। और रॉन्ग साइड के एंड में जो बटन पट्टी हम बनाते हैं वो हमारी राइट साइड का होता है, ये राइट साइड की का पल्ला है। तो इसमें हमारा यहाँ पे आएगा, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे आपकी बटन पट्टी शुरू होती है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड होगी। तो ये मैं राइट साइड बना रही हूँ, राइट साइड पे हम देखेंगे कि हम इसको ये एंड में हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साथ में हम डिज़ाइन भी सीखेंगे। तो जो हमने नीचे से एक कलर हमने यूज़ करना है, कोई भी आप दो कलर में से एक कलर आप नीचे लगा लीजिए बॉर्डर पर, उसी से हम बटन पट्टी भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उल्टी लाइन में हम सारे फंदों को पहली लाइन में उल्टा बुनेंगे, और लास्ट के हम 8 या 9 या 10 जितने भी आपने बटन पट्टी बनानी है उतने फंदे हम छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 फंदे यहाँ पे बटन पट्टी के रखे हुए हैं, ये 8 फंदे हैं। तो 8 फंदों को छोड़ के हम ये सारे फंदे बना देंगे, यहाँ तक बना देंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट हम देखेंगे। तो ये मैं पूरे बना लेती हूँ, सेम चीज़ डिज़ाइन में भी फॉलो होगी, उल्टी जो रो है उसको हम पूरी बना लेंगे उल्टी। ये देखिए, ये 8 फंदे छोड़ के पूरी लाइन मैंने बना ली है उल्टी उल्टी। तो अब इसमें इन 8 फंदों में से सबसे पहला फंदा हम क्या करेंगे, ऐसे उल्टा उतार देंगे, इस तरीके से उल्टा उतारा। अब धागा पीछे ले जाएंगे, क्योंकि मेरा जो बटन बैंड है वो मैंने सीधे सीधे फंदों का बनाया है। धागा पीछे ले जाके ये 1 2 3 4 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट का फंदा बिना बुने उतार देंगे। ये आपने बटन बैंड के लिए करना है, जब भी आप ऐसे वाले फंदों का बटन बैंड बनाते हैं तो ये पट्टी जो है इस तरीके से बनेगी। तो यही सेम चीज़ आपने बार बार उल्टी साइड से फॉलो करनी है। अब सीधी साइड से जो पहला फंदा है उसको हम ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से सीधा, ऐसे हमने यहाँ से नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, यहाँ से सिलाई डालनी है इसकी, यहाँ से बैक साइड से ऐसे करके बैक साइड वाली साइड से इसको ऐसे बनाएंगे और नेक्स्ट फंदा उतार देंगे ऐसे करके। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब ये फंदा भी हमने उल्टी साइड से उतारा था, इसको भी हम यहाँ से बना लेंगे। तो ये टोटल जो है 8 फंदे हैं, इसमें से 2 हम यहाँ साइड पे इस तरीके से करते हैं और 1 हमने वहाँ से उतारा था, तो इसको हमने यहाँ से सीधा बना दिया। ये चीज़ आपने थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, जैसे हम यहाँ से पहली लाइन तो हमने इस वाले कलर से बनाई है, अब क्या करेंगे, जो हमारा नीचे से कलर जो लगता है, जैसे मैंने ये लगाया था, तो इससे और 3 लाइन हम बना देंगे, एक यहाँ से सीधी उल्टी और सीधी, इस तरीके से हम इससे 4 लाइन्स बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो मैंने किया है, यहाँ पे बॉर्डर बनाया, उसके बाद इस वाले कलर से मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, 2 लाइन्स डाली हैं, फिर मैंने यहाँ पर ये वाला कलर लगाया है, इससे 4 लाइन्स बनाई है। तो इस तरीके से हमने पहला जो कलर है उससे 4 लाइन्स हम यहाँ पे बना लेंगे उल्टी सीधी। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे तो देखिए हमें क्या करना है, और एक चीज़ हम यहाँ पे फिनिशिंग के लिए करते हैं, ये वाला जो धागा होता है इसको हम हमेशा ऐसे क्रॉस करके लेते हैं, ये वाला धागा पहले हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे और ये वाला यहाँ नीचे से लेंगे।
क्योंकि ये जो यहाँ पे गैप आ जाता है वो इससे कवर हो जाएगा। देखिए ये वाला धागा यहाँ ऐसे करेंगे तब यहाँ इससे नीचे से लेंगे। अब ये वाला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप ऑड नंबर में फंदे डालेंगे कोई भी तो ये डिज़ाइन इजीली बन जाएगा। तो ये धागा ऐसे किया, पहला फंदा इससे हमने सीधा बनाया और दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाया, फिर एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से हम लास्ट तक ये रो बनाएंगे नेक्स्ट कलर से, एक सीधा एक उल्टा। ध्यान रखिएगा पहले कलर से हमने चार लाइंस प्लेन बनानी है, जब हम ये वाला नेक्स्ट कलर लगाएंगे इससे हमने एक सीधा एक उल्टा बनाना है ऐसे, पूरी रो एक सीधा एक उल्टा। चाहे तो जो पैटर्न है वो मैं किसी और उसमें भी बता दूंगी एक और वीडियो बना के। यहाँ पे मैं ये बटन बैंड के बारे में बता रही थी कि हम दो कलर के साथ इसको कैसे हम सही से बनाएंगे। तो ये पूरी रो में एक सीधा एक उल्टा करके बना देती हूँ। ये देखिए लास्ट तक हमने एक सीधा एक उल्टा करके इसको बना दिया। ये एच का फंदा है, इसको भी मैं सीधा बना दूंगी। अब उल्टी साइड की जो रो है उसको हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे, इस तरीके से उल्टी साइड की रो को हमने उल्टा उल्टा ऐसे बुनना है। पूरी लाइन को उल्टा बनाएंगे जहां तक हमारा बटन बैंड है वहां तक। ये लास्ट तक हमने ये पूरी रो ऐसे बनाई। अब ये फिर से हम धागा ऐसे क्रॉस करके लेंगे, देखिए उल्टी साइड पे भी धागा ऐसे करेंगे और ये वाला जो है ये ऐसे लेंगे, यहाँ से हमेशा हम क्रॉस करके लेंगे धागा ताकि यहाँ पे गैप ना आए। अब ये वाला फंदा तो हम उल्टी साइड से उतारते हैं, उतारा, ये बटन बैंड का फंदा था। उसके बाद पांच फंदे सीधे बनाए, एक दो तीन चार और पांच। उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। इससे क्या होता है बटन बैंड सीधा भी रहता है और ये देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। फिर से ये बैक साइड से बनाएंगे, पहला फंदा बैक साइड से बनाया, ये वाला फंदा उतारा और बाकी फंदे सीधे बना देंगे। फिर से यहाँ पे हम जो धागा जब भी चेंज करते क्रॉस करके लेते हैं हमेशा। ये देखिए ये जो धागा है ये हमने यहाँ लेंगे, इसको हमने इसके नीचे से लिया इस तरीके से ऐसे, ये यहाँ और ये यहाँ, सिर्फ इतना करना होता है। और अब ये जो डिज़ाइन की रो है ये हम पूरी सीधी बनाएंगे, इस लाइन को हम पूरा सीधा बनाएंगे। अब चौथी लाइन उल्टी साइड से है तो इसको हम पूरा उल्टा बनाएंगे। तो ये चार लाइंस डिज़ाइन की हैं, एक में हम एक सीधा एक उल्टा बनाते हैं, फिर सेकेंड रो पूरी उल्टी, फिर थर्ड रो पूरी सीधी और चौथी लाइन पूरी उल्टी उल्टी। तो ये चार इसकी लाइन हो गई और बाकी मैंने आपको बटन बैंड का बता दिया हमें कैसे बनाना है। उधर से जो आठ फंदे हैं उनको हमने किस तरीके से बनाना है वो मैंने बता दिया, यहाँ पे एंड में आएगा। ये राइट साइड है, इस पे मैं बटन लगाऊंगी तो जो बटन वाली साइड है वो पहले बनती है और जहाँ पे बटन होल होते हैं वो साइड बाद में बनती है। तो पहले ये बटन वाली साइड मैंने बना दिया। तो ये लाइन हम पूरी उल्टी बनाएंगे और लास्ट में जो बटन पट्टी के फंदे हैं उसको हम वैसे ही बना देंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बाकी इसका मेजरमेंट और पूरा कार्डिगन कैसे बनाना है ये मैं आगे बताती जाऊँगी। तो फिर बनाइए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।